सुरेश जी नमस्ते जी। नमस्कार नमस्कार जी। सुरेश जी हाँ बैठ के बात कीजिए। सुरेश जी बैठ के बात कीजिए। सर आपको पैर में तकलीफ है क्या? सुरेश जी जी सर मैं दिव्यांग हूँ ना। आपकी आवाज बराबर नहीं आई। दिव्यांग हूँ मैं ना। अच्छा दिव्यांग है। चलिए फिर तो मुझे बिल्कुल आपको खड़े होने का कष्ट नहीं देना चाहिए। आप बिल्कुल आराम से बैठ करके ही बात कीजिए। आप शरीर को जरा भी कष्ट मत दीजिए। अच्छा आप सुरेश जी अपने विषय में बताइए आप कैसे हैं? अच्छा हूँ सर। सर मैं ना सुरेश चंद्र बेहरा, मेरे पिता का नाम सुधाकर बेहरा, माता का नाम प्रभाती बेहरा और मेरे माता पिता अभी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर शुगर में पीड़ित थे और डॉक्टर प्रेस्क्राइब किया था ने और मैंने ज्यादा दवाई ले दवाई था तो बहुत कॉस्ट हुआ था। मैंने उसे पूछा कितना इतना ज्यादा कॉस्ट में औसत नहीं पहन ले पा रहा था। मैंने मैंने बोला और कैसे मैं ये दवाई खरीदूंगा तो जब पूछे पूछे तो मैंने लिखा भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला है। मैंने उसकी दवाई लिया बहुत अच्छा कम दाम से दवाई मिले बहुत अच्छा रहा। मेरे भी स्किन डिजीज थे वो भी क्लियर हुए थे। बहुत कम सस्ते में दवाई मिलते है और खा के अच्छा हुआ। अभी एक तो आप दिव्यांग है और आपको ये तकलीफ भी है तो आप मुख्यतः कौन कौन सी दवाई आपको जन औषधि केंद्र से मिल जाती है? सर सब मिलते हैं। डायबिटीज के मिलते हैं, ब्लड प्रेशर मिलते और स्किन डिजीज मिलते सब मिलेंगे। कोई ऐसी दवाइयां हैं जो आपको लेनी पड़ रही है लेकिन जन औषधि में नहीं मिलती हैं? सर सब मिलते जो सब मिल जाता सब मिलते। अच्छा सुरेश जी आप बताइए आपके इतनी छोटी आयु में आपको डायबिटीज है तो परिवार में और लोगों को भी है क्या? माता पिता को डायबिटीज? सर मेरे पिताजी को हुए थे और माताजी को हुए थे। जब इतने दवाई लिखे थे डॉक्टर मैंने जो दवाई इतने दाम 5,000-6,000 लग जाता मैंने बोला इतने दवाई कहाँ से लगे इतने रुपए कहाँ से लगे इनकम तो बहुत कम है ना। लेकिन मैंने जन औषधि के बारे सुना और जन औषधि केंद्र गए और लिखा तो जो 5,000 से 1,000 हो जाता था बहुत अच्छा सर। अच्छा सुरेश जी पहले कितना खर्चा होता था दवाइयों का और जन औषधि में जाने से अब कितना होता है और हर महीने कितना पैसा बचता है? सर 2,000-2,500 बच जाता है। कितना? 2,000-2,500 बच जाता है। 2,000-2,500 जी सर। अच्छा तो ये पैसे बच गए अब तो उसका कुछ अच्छा उपयोग करते होंगे क्या करते हैं? सर इनकम बहुत कम है तो ना सर पैसा धार कर्ज करे लेके दवाई खरीदे थे और मैं तो पिताजी लेबर है ना और माता जी है सर मैं तो छोटा मोटा काम करती थी और मेरे दुकान में तो ज्यादा दवाई किनने के पैसा नहीं था लेकिन इतने कम पैसे में दवाई मिलते तो अब बहुत अच्छा लग रहा पैसा नहीं कौन से धार नहीं करते हम। चलिए सुरेश जी आपको और आपके माता पिता को भगवान जगन्नाथ बहुत जल्दी स्वस्थ रखे। सर मेरे माता पिता आपको प्रणाम करते हैं। अभी सुबह से लिखने जो लिखने हमारी तरफ से भी प्रणाम कह दीजिएगा। सर गांव वाले आपको सब गुजारिश है आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सुरेश जी मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं कि आप दिव्यांग इस तकलीफ के बावजूद भी माँ बाप की भी सेवा कर रहे हैं और विषमताओं से हार नहीं मानते हैं। मैं देख रहा हूँ आप हंसते जो भी बात कर रहे हंसते हुए कर रहे रोते हुए नहीं कर रहे ये बड़ी आपकी ताकत है और बड़ी प्रेरक है और मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ। आपसे भले 2 मिनट बात करने का मौका मिला लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए भगवान जगन्नाथ आपको बहुत ताकत दें क्योंकि हम तो गरीब हो वंचित हो पिछड़े हो महिला हो दलित हो हमारे दिव्यांग भाई बहन हो उन सब के साथ उनके साथी बनकर ये सरकार कैसे खड़ी रहे जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में खड़ी रहे और उसके जीवन में मुश्किल आने न दे। तो जन औषधि केंद्र खोलने के पीछे सरकार का यही मकसद रहा है। आपको सुनकर के लगा है कि मुझे जो काम मैं कर रहा हूं वो सही दिशा में कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।